पीरियड्स कितना लेट होना एक चिंता की वजह बन जाता है, मतलब कितना लेट पीरियड होता है कि जब हमें चिंता होने लग जाती है? देखिए, अगर आजकल के हिसाब से देयर आर द थ्री फैक्टर्स, एक तो आपकी एज ऑफ मेनार्केज 10 to 11 की पीरियड, किसी भी बच्चे को 10 से 11 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन जहां भी बच्चा 14 साल 15 साल का होता है तो माँ बाप को बहुत चिंता हो जाती है कि कहीं इसको कोई और इशू तो नहीं है, तो वो फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर उनका अल्ट्रासाउंड कराकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो किसी और कारण की वजह से डिले हो गया। सेकेंड होता है कि हमें पीरियड तो शुरू हो गए लेकिन हमें जो कि 28 से 30 दिन के बीच में आ जाने चाहिए, वो हमें कभी 40 दिन में आ रहे हैं, कभी हमें 3 महीने में आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर हमारे कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या फिर हमारे खान पान की वजह से लेट हो जाते हैं। तो ये दोनों कारणों में एक चिंता बन जाती है स्पेशली माँ बाप के लिए। इसके अलावा अब देखिए, पीरियड्स में एक टैबू बना दिया गया है, आजकल तो बहुत सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं, सैनिट्री नैपकिन्स हैं, टैपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीरियड्स में एक दिन में जब हम पैड का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी बार हमें पैड चेंज करना चाहिए, अगर हाइजीन की हम बात करें तो? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब जो ऑफिस गोइंग महिलाएं होती हैं बार बार पैड नहीं चेंज हो पाता, तो क्या इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है? देखिए, ऐसा है कि जब तक हम ब्लीड करते हैं, जो ब्लड निकलता है हमारे शरीर से, उसी को पीरियड बोलते हैं, कि जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जब उसका शेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और द पीरियड। वो जो ब्लड होता है वो अनइंफेक्टेड होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के एयर के टच में आता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी पीरियड होता है तो हमें हर हालत में 4 घंटे के अंतर में जरूर हमें पीरियड के टाइम पर सैनिटरी नैपकिन या जो भी हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जरूर चेंज कर लेना चाहिए। एक जो बोला जाता है ना कि जो सैनिटरी नैपकिन जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई बात नहीं कि हमने सुबह से लगाया शाम तक वो, तो आपको ये सोचना है कि जब वो इतना ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके स्किन के साथ कितनी स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे। जब वो पसीना आता है तो उससे स्किन रैशेज हो जाना, बहुत ज्यादा इचिंग हो जाना, वेजिनाइटिस हो जाना, और बहुत अजीब सी एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कारण से हमें हमेशा हर 4 घंटे में पैड जरूर चेंज करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, किसी कारण से अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें आयुर्वेदा में बहुत अच्छे मेडिसिन और ट्रीटमेंट बताए गए हैं, स्पेशली इसमें एक त्रिफला एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसन है, बहुत ही कॉमन, एवरीबडी आई थिंक सबके घर में त्रिफला होता ही है। ये 3 चीजों से बनता है, हरड़, बेड़ा और आंवला से। इन तीनों के योग से जो त्रिफला बनता है उसको पकाकर आप उसका एक काढ़ा टाइप का, एक चाय टाइप का बनाकर उससे अगर आप उस एरिया को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, या एक सिट्स बात कहते हैं कि जैसे चिलमची के अंदर बैठ जाना, अपने वेजाइनल पोर्शन को डिप कर लेना, तो उससे किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। इट एक्ट्स एज ए वेरी गुड एंटीसेप्टिक लोशन, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ इसी को अगर हम खा लेते हैं आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद, तो उसे एक तो पेट का इन्फेक्शन भी निकल जाता है, पेट भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है, तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं।